हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ये एग्ज़ाम 16 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये फिफ्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज UHF, कौन सा जो है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का यूज करता है। तो स्पेस वेव प्रोपगेशन जो है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूज करता है, वन का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू है, द रेंज ऑफ रेडार डिपेंड्स ऑन, रेंज ऑफ रेडार किस पे डिपेंड करता है, एंटीना गेन, ट्रांसमिटेड पावर, इफेक्टिव एरिया ऑफ रिसीविंग एंटीना, ऑल ऑफ द अबव, क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, देखिए द बैंडविड्थ ऑफ एन FM रिसीवर इज, FM रिसीवर का बैंडविड्थ कितना होता है, तो 200 किलो हर्ज होता है, कितना होता है 200 किलो हर्ज, 200 किलो हर्ज, थ्री का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर है, डक्टिंग इज काज ड्यू टू, डक्टिंग किसके कारण होता है, डक्टिंग किसके कारण होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण, ऑप्शन ए हो जाएगा। फाइव देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कू बैंड इज, कू बैंड का फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, 12 से 18 GHz, 12 से 18 GHz, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द गेन ऑफ हिलिकल एंटीना डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स, हिलिकल डायमीटर, ऑल ऑफ द अबव, सभी हो जाएगा, सिक्स का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, क्रॉसबार स्विचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश स्विचिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है क्रॉसबार स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर एट है, आइसोट्रॉपिक एंटीना रेडिएट्स इट्स पावर यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशा में जो है यूनिफॉर्मली पावर को रेडिएट करता है, कौन, आइसोट्रॉपिक एंटीना, एट का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन है, फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ कू बैंड इज, कू बैंड का, सॉरी फाइव हो गया, नाइन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन है, फोर स्टैंडर्ड FM रिसीवर IF इज, स्टैंडर्ड FM रिसीवर के लिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 10.7 MHz, नाइन का बी हो जाएगा, 10.7 MHz। क्वेश्चन नंबर टेन है, द मेन एडवांटेज ऑफ PCM सिग्नल इज, PCM सिग्नल का मेन एडवांटेज क्या है, तो लोअर नॉइज होता है, क्या होता है, लोअर नॉइज होता है, 10 का सी हो जाएगा, लोअर नॉइज। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रॉडबैंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन वाज ओरिजिनली मेड पॉसिबल बाय द एडवेंट ऑफ रिपीटर एम्पलीफायर, रिपीटर एम्पलीफायर का यूज करके हम लोग करते हैं, 11 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, RF एम्पलीफायर आर ट्यून्ड एम्पलीफायर, ट्यून्ड एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्किप जोन इज ऑल्सो नोन एज, स्किप जोन को और क्या नाम से पुकारते हैं, साइलेंस जोन के नाम से पुकारते हैं, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए हाइट ऑफ 20 किलोमीटर, ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज, ऑप्टिकल फाइबर का फ्रीक्वेंसी लिमिट कितना होता है, 20 GHz, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज फर्स्ट ऑपरेशनल सेटेलाइट, इंडिया का पहला ऑपरेशनल सेटेलाइट कौन था, आर्यभट्ट था, सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। 17 देखिए, मून कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 28 डेज, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंड इज नॉट सुटेबल फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए कौन सा बैंड सुटेबल नहीं है, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी बैंड सुटेबल नहीं है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द बॉड इज द यूनिट ऑफ, बॉड किसका यूनिट है, चैनल कैपेसिटी का, 19 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेजर इज यूज इन कम्युनिकेशन एट मिलीमीटर वेवलेंथ, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, लाइट फ्रीक्वेंसी, ऑल ऑफ द अबव, सभी हो जाएगा, 20 का डी हो जाएगा।
सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है। कैलकुलेट द रेडिएशन रेसिस्टेंस ऑफ ए लैम्डा बाय 10 वाई डाइपोल इन फ्री स्पेस। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स टेलीफोन नेटवर्क ISDN। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्टेड इन सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है कैलकुलेट द रेंज ऑफ ए टारगेट इफ द टाइम टेकन बाय ए रडार सिग्नल टू ट्रेवल टू द टारगेट एंड बैक इज 100 माइक्रोसेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेडियो होरिजन एंड ऑप्टिकल होरिजन। इसी का और क्वेश्चन है द कैरियर फ्रीक्वेंसी ऑफ एन FM मॉड्यूलेटर इज 900 kHz इफ द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज 15 kHz। व्हाट आर द 3 अपर एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द नीड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन फॉलोइंग इन ब्रीफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी स्किप डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई स्काईवेव प्रोपगेशन इज बेटर एट नाइट देन ड्यूरिंग द डे टाइम। इसी का और क्वेश्चन है व्हाट इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन रिसीवर। ग्रुप सी का क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि 6 नंबर में पूछा जाता है व्हाट इज व्हेन वेयर इट इज यूज्ड। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन मॉड्यूलेशन इंडेक्स फॉर FM एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज एन एंटीना डिस्क्राइब यागी-उडा एंटीना। इसी का और क्वेश्चन है प्रूव द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है प्रूव द एक्सप्रेशन FMUF मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इनटू sec थीटा वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। FC हो गया क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, FMUF हो गया मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। इसी का और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेंज ऑफ ए रडार। इसी का और क्वेश्चन में पूछा है व्हाट डू यू मीन बाय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एबव अर्थ सरफेस। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इसी का और में पूछा है ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ MTI रडार एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। 16 जून 2022 को जो एग्जाम हुआ है रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम का उसका ये क्वेश्चन पेपर है 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार का ये क्वेश्चन पेपर है। देख सकते हैं आप डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।